भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। खेत की तैयारी में हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे, 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में मिला दें और खेत की प्लेवा कर दें, और खेत जैसे ही जुताई के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके उसको समतल कर लें और उसमें मेड़ों का निर्माण कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक गर्मी और वर्षा की फसल है, इसके जमाव के लिए वातावरण का तापक्रम 20 डिग्री, औसत तापक्रम 20 डिग्री से अधिक हो जाएगा तब उसकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है, कम से कम जो उत्पादन लागत है उसमें उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी कि गर्मी के मौसम में किसान भाइयों, आपकी भिंडी अगर पूसा भिंडी 5 आप उगाते हैं तो उसमें ना तो भिंडी का पीत वरण जो विषाणु रोग है उसका प्रकोप होगा और ना ही ELCV का प्रकोप होगा। सामान्यतः गर्मी के मौसम में इन दोनों ही बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो आपको उन्नत किस्म का चयन करना, यानी कि पूसा भिंडी 5 आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय बीज निगम का जो बिक्री केंद्र है हमारे पूसा संस्थान के अंदर, वहां से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही उन्नत किस्म की। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई इस किस्म का बीज नहीं ले पाते हैं तो इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में A4 दूसरी एक किस्म है हमारे संस्थान की, उसको भी उगाया जा सकता है। और अगर ये किस्म भी नहीं है तो आप एक किस्म है अर्का अनामिका, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पूसा भिंडी 5 ये एक ऐसी किस्म है जिसकी उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास गर्मी के मौसम में हो जाती है और बुआई के बाद इसकी 44 दिन के बाद पहली तुराई संभव है। अब बात आती है बीज की मात्रा की। गर्मी के मौसम में अगर आप पूसा भिंडी 5 का इस्तेमाल करते हैं या अन्य किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12 किलोग्राम से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना है, बीज को उपचारित करना है। दूसरी बात हम आपको कहेंगे, भिंडी के बीज को आप उपचार करने के साथ साथ आप इसको एजिटोबैक्टर या एजिसोस्पीलियम नामक जो सूक्ष्म जीवी हैं जो जमीन के अंदर उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर पुराने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों आप एक ही खेत में निरंतर भिंडी लगाते हैं तो कई बार उसमें फ्यूजेरियम विल्ट उकटा रोग आने की भी संभावना बढ़ जाती है, तो इससे बचने के लिए आप बीज का उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा। 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप ये इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आपके खेत में उकटा रोग की आने की संभावना को समाप्त किया जा सके।